बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल हाउस फॉर सेल पॉइंट में सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मकान बराए फरोख्त है, इस मकान की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो गुजारिश है, जो भाई चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस मकान की मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि हर चीज़ की आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तो दोस्तों, ये देखें, ये इस मकान का फ्रंट है, डबल स्टोरी बना हुआ है, चार मरले में बना हुआ है। इसकी मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, इसमें कितने बेडरूम्स, कितने वाशरूम और उसके अलावा किचन वगैरह, गैराज, टेरेस वगैरह क्या कुछ है और किस एरिया में बना हुआ है, क्या इसकी डिमांड की गई है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको मुकम्मल मालूमात हासिल होगी, वरना आपके अक्सर मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कोई प्राइस पूछ रहा होता है तो कोई कह रहा होता है ये कहाँ पर है। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो हर चीज़ आपको वीडियो में ही बताई गई होती है, लेकिन कुछ लोग वीडियो मुकम्मल नहीं देखते तो फिर जो है कमेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और मुकम्मल मालूमात आप हासिल करेंगे। तो चार मरले में ये बना हुआ है, डबल स्टोरी है, टोटल इसमें जो है पांच बेडरूम, तीन बाथरूम बने हुए हैं। ये देखें, ये इसका किचन और टोटल जो है फ़र्श के पत्थर पर, फ़र्श पर जो है पत्थर लगा हुआ है, टोटल मकान के जो है फ़र्श पर पत्थर और छत में सीलिंग का काम किया गया है और पेंट वगैरह हर लिहाज से जो है आपके सामने है। सीलिंग डिज़ाइन, दीवारों पर जो पेंट कलर और फ़र्श पर जिस तरह का पत्थर लगा हुआ है, जिस मटेरियल के साथ मकान तैयार किया गया है, हर चीज़ आप देखते रहें। ये देखें, ये इसका वाशरूम है। तो दोस्तों, इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये कहाँ पर बना हुआ है। सियालकोट के इलाके शेख कॉलोनी में ये मकान बना हुआ है, सियालकोट रेंजर रोड शेख कॉलोनी में ये मकान बना हुआ है। और इसकी जो डिमांड की गई है वो भी आपको बताता हूँ। तो इसके सेलर का आपको पहले बता दें, सेलर जो हैं राणा नवीद साहब हैं। टोटल जो है चार मरले में डबल स्टोरी बना हुआ है, पांच बेडरूम, तीन बाथरूम, उसके अलावा क्या कुछ है, 20 फीट रोड है इसका जो फ्रंट पे, और उसके अलावा एक ओपन अमेरिकन किचन है, उसके अलावा एक गैराज है, एक ड्राइंग रूम है, एक टीवी लाउंज है और एक टेरेस इसमें बना हुआ है। ये देखेंगे, सीढ़ियों में भी ब्लैक कलर का जो है पत्थर लगा हुआ है और हर रूम के अंदर सीलिंग डिज़ाइन जो है यानी कि चेंज है, मुख्तलिफ है थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के हिसाब से, डेकोरेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, इसकी लोकेशन मैं आपको लोकेशन भी बता दी है, इसकी डिमांड आपको बता देता हूँ, 85 लाख रुपए इसकी डिमांड की गई है। चार मरले का डबल स्टोरी बना हुआ है, पांच बेडरूम, तीन बाथरूम, उसके अलावा गैराज, किचन वगैरह, टेरेस वगैरह, टीवी लाउंज और हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ड्राइंग रूम वगैरह इसमें जो कुछ बना हुआ है। मुकम्मल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मालिक मकान का आप वहाँ से नंबर हासिल कर सकते हैं। मालिक मकान का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, राणा नवीद साहब हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। रابطے के लिए मज़ीद मालूमात हासिल करनी हो या आप मकान का विज़िट करना चाहें तो आप जो है राणा नवीद साहब से रابطہ कर सकते हैं, जिनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आप जो है उनका नंबर ले सकते हैं। 85 लाख रुपए डिमांड है, फिर से एक बार दोहराऊंगा, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। 85 लाख रुपए डिमांड है, राणा नवीद अहमद साहब हैं जो सेल कर रहे हैं। पांच बेडरूम, तीन बाथरूम, उसके अलावा किचन, गैराज, टीवी लाउंज और टेरेस वगैरह हर चीज़ मौजूद है। तो दोस्तों, इजाज़त चाहेंगे आज की इस वीडियो के साथ, गुजारिश है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।